सीट के नीचे हमारे ये मोटर के बॉक्स और कंट्रोलर बॉक्स वेल फाइन पड़े हुए हैं। नॉब पे मैंने यहाँ पर स्टिक आउट करके रखा है सेंसर को। जब जब मैं सेंसर को टच करूंगा तो मेरा वहाँ क्लच की डिसएंगेजिंग होगी। एक्सेलरेटर प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या होगा, क्लच हमारा धीरे धीरे ऊपर आएगा। देखिए मैं अभी एक नया लोकेशन पे आ चुका हूँ जो कि सिद्दीपेट करके जगह है, तेलंगाना में लोकेशन है ये, जहाँ पर एक हम नया मॉडल की गाड़ी लेके आ चुका हूँ जो कि ये महिंद्रा की कंप्लीटली 2019 वेरिएंट की है मराजो, जिसमें हमने कम्प्लीटली ACPCS मतलब ऑटोमेटिक क्लच पेडल कंट्रोल सिस्टम से मॉडिफिकेशन कर चुकी है। ये गाड़ी अब ब्रेक और एक्सीलरेटर से खाली चलेगी, खाली मतलब IMT इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन से ये गाड़ी चलेगी। तो क्विक लुक और करते हैं कि इस गाड़ी में हमने किस हिसाब से मॉडिफिकेशन किया है, तो इसको अनलॉक करते हैं गाड़ी को और देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि कम्प्लीटली गाड़ी पे हमने ACPCS ऑटोमेटिक क्लच पेडल कंट्रोल सिस्टम की मॉडिफिकेशन कर चुकी है। सीट के नीचे हमारे ये मोटर के बॉक्स और कंट्रोलर बॉक्स वेल फाइन पड़े हुए हैं। तो इसका जैसा स्टार्ट आउट करके देखते हैं कि इसमें किस हिसाब से ये वर्कआउट करता है। जैसे कि हमने इसमें की में मैंने इग्निशन पॉइंटर चालू किया, ये हमारी गाड़ी अब चालू हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पर मैंने स्विच दे के रखा है ऑन ऑफ करने का। अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो मेरा ये क्लच डिसएंगेजिंग पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये ब्रेक एक्सीलरेटर के द्वारा गाड़ी चलेगी। अगर मैं इसको ऑफ किया तो नॉर्मल पर्सन से कोई भी पर्सन इस गाड़ी को ड्राइव कर सकता है। यहाँ पर गियर के नॉब पे मैंने यहाँ पर स्टिक आउट करके रखा है सेंसर को। जब जब मैं सेंसर को टच करूंगा तो मेरा वहाँ क्लच की डिसएंगेजिंग होगी, क्लच दबेगा। जब हम एक्सीलरेटर प्रेस आउट करते हैं हमारा क्लच धीरे धीरे डिसएंगेजिंग होता है और ब्रेक दबाने से तो अंदर चले जाता है, लेकिन इसकी डिपेंड करता है कि ये स्पीड के कैसे में चल रही है, क्योंकि हमारा सब व्हीकल स्पीड सेंसर के हिसाब से, व्हीकल की रोटेशनल स्पीड के हिसाब से हमारा क्लच पेडल की जो परफॉर्मेंस रहती है एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन होने की रहती है। जहां हम पहला गियर अगर शिफ्टमेंट करते हैं, फर्स्ट गियर की शिफ्टमेंट करेंगे, हमारा क्लच पेडल की उठने की वेरिएबल स्पीड धीरे धीरे रहेगी ताकि ये जर्क ना रहे करके इसकी उठने की पोजीशन धीरे धीरे रहती है। जहां ये स्पीड के हिसाब से सेकेंड गियर में शिफ्ट हुआ तो इसकी उठने की पोजीशन इंक्रीज हो जाएगी। जहाँ थर्ड में गियर शिफ्ट हुआ ये उठने की पोजीशन इसकी फिर से इंक्रीज हो जाएगी। ये डेरिमिटिकली फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ गियर में अगर रही स्पीड 50-60 की रही तो आपको एक्सीलेटर प्रेस ना भी करो, क्लच ये हमारा पूरा डिसएंगेजिंग ऊपर तक हो जाएगा। और जब जब आप ब्रेक दबाएंगे, ऐसा नहीं कि हर बार ब्रेक प्रेस करने से क्लच अपना दबता है, ऐसा नहीं है। जब आपका कॉन्स्टेंटली लो स्पीड रहेगा तभी ये इसकी पोजीशन डिसएंगेज में रहेगी। अगर आप स्पीड अप ड्राइव करेंगे, ब्रेक प्रेस करेंगे तो ब्रेक की वेरियंस में क्लच प्रेस नहीं होगा। और ये जो माइक्रो एमएम ट्यून का सेंसर जो हमने यहाँ स्टिक आउट करके रखा है, ये बस हल्का सा टच करेंगे तो देखिए हमारा क्लच सडन वे पे हमारा वर्कआउट करता है। हमने ये यहाँ चिपका के रखा है ताकि ये नॉब में कहीं पर कुछ दिखे मत, पूरा ओरिजिनल नॉब में ही हम इसमें स्टेज ऑफ कर लेते हैं ताकि अगर दूसरे गाड़ी पे लगाना रहे तो हम इजीली सारी चीज़ को खोल के दूसरे गाड़ी में लगा सकते हैं। 4 से 5 वायरिंग हार्नेस में ही आपकी पूरी गाड़ी ACPCS ऑटोमेटिक क्लच पेडल कंट्रोल से ये रन आउट कर लेगी। बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है जो कि कोई भी गाड़ी को IMT कॉन्सेप्ट में मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो ये मराजो महिंद्रा की हमने इसमें फिट किया है जो कि सिद्दीपेट में लोकेशन है। ये आता है तेलंगाना स्टेट में, जहाँ हमने सारी फिटमेंट अभी प्रोवाइड कर चुकी है।